कल्याण मैं जानना चाहूंगा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने पूर्व में ही बहुत सफल अवार्ड ऑर्गेनाइज किया, दादा साहेब फाल्के हो या प्रेस दार्शनिक अवार्ड हो, और फ्यूचर के लिए भी भविष्य के लिए भी 4 अवार्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जानकारी दीजिए कि किस तरह के अवार्ड होंगे, कहाँ होंगे और उसको लेकर कितने उत्साहित हैं आप। सबसे पहले मेरे मीडिया को नमस्कार, मेरा प्रणाम, आज 14th February है और आप सभी को दिल से मैं नमन करता हूँ और आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे, और साथ साथ में पूर्व बाबा में जो अटैक हुआ था उन तमाम शहीद को मैं, हम तमाम DPIAF के और मीडिया की तरफ से उन तमाम शहीदों को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं। और उसके साथ साथ में आज पुलवामा में जो हत्या होने के बाद उनकी जो फैमिली जो है, आज उन लोग रो रहे हैं उनके घर में, उनकी तमाम जो उनकी फैमिली के जो मेंबर हैं उनके साथ हम पूरी देशवासी हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे जिंदगी भर। आपने जैसा सवाल किया है, मेरा दादा साहेब फाल्के आइकॉन एवरी फिल्म्स एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले शो बहुत आप सभी की दुआ से, मेरी औकात नहीं है, आप सभी की दुआ से बहुत सक्सेसफुल रहा। मेरी DPIAF की जो टीम है, टीम की तरफ से वो उनकी जो मेहनत है, उन सभी की तरफ से मेरा शो अच्छा हुआ। जिस तरीके से मेरा शो मैं करते जा रहा हूँ और आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है, मेरा वाइफ का सपोर्ट मिल रहा है, अंकिता का, तमाम मेरी टीम का, मेरा 24th April को मेरा शो होने जा रहा है, सेकेंड छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2021 रंग शारदा ऑडिटोरियम बांद्रा वेस्ट में, 24th June को मेरा शो होने जा रहा है नारी शक्ति अचीवर अवार्ड 2021 24th August को मेरा शो होने जा रहा है, एक बेहतरीन शो जिसका नाम है DPIAF बिजनेस ग्लोबल अचीवर अवार्ड, एक बेहतरीन एक अवार्ड शो जो बिजनेस फील्ड में जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है उन लोग को हम सम्मान कर रहे हैं, वो भी रंग शारदा में है बांद्रा में, तीनों शो रंग शारदा में। और लास्ट 24th November जो मेरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है आप सभी के आशीर्वाद से, जिन्होंने आप सभी मिलकर जो सफल बनाया है, वो शो का नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2021 में 24th November को दुबई में हम करने जा रहे हैं। इस साल दुबई है और महाराष्ट्र की मिट्टी से हम दुबई जा रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं हम, क्योंकि दुबई में पहली बार मैं कोई प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, मतलब पहली बार दुबई नहीं, पहली बार मैं इंडिया छोड़ के मैं बाहर करने जा रहा हूँ, तो डर भी है मन में और अच्छा भी फील हो रहा है, और मैं इसलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो टीम है DPIAF का जो टीम है, उस टीम के तमाम जो मेंबर्स हैं, तमाम जो मेरे पास जो जुड़े हैं, मेरे भाई मिलन जाना वो उनकी सपोर्ट है, मेरी वाइफ उनकी सपोर्ट है, तमाम मेरे टीम की सपोर्ट है, वीरू साहब का सपोर्ट है, पानरी जी का सपोर्ट है, एडवर्ड साहब का सपोर्ट है, तमाम जो मेरी टीम है उन टीम के जरिए से मैं दुबई और कुछ मीडिया पर्सन को भी मैं दुबई लेके जा रहा हूँ। जैसा मैंने दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया में मैंने अनाउंस किया था, दादा साहेब फाल्के में मैं अनाउंस किया था, जो मैं कुछ मीडिया पर्सन को मैं दुबई लेके जा रहा हूँ जो मेरे साथ रहेगा, मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, जो मेरे मीडिया मेरे साथ है ऐसे मीडिया को हम मेरे साथ दुबई लेके जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ के मीडिया मेरा छपा है या नहीं छपा है, क्योंकि कम से कम यहाँ से इंडिया से मैं मीडिया लेके जा रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच माई द बेस्ट PRO संजय भूषण पटियाला, थैंक यू सो मच उनकी, और साथ साथ में मेरे बड़े भाई जो एक ज़माने में मुझे बोलता था कल्याण तू बहुत आगे बढ़ेगा, हमारे शिवा साहब जो आज मिट्टी के क्राइम रिपोर्टर है और बहुत अच्छे सीनियर पत्रकार है, जब भी वो मिलते थे मेरे को पता कल्याण जी तू कुछ ना कुछ करेगा जिंदगी, तो थैंक यू शिवा सर, आप बहुत दिनों के बाद मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और तमाम और प्रेस वाले हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच। बस आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है, जो कोई लड़का गरीब से आगे बढ़ के आप सभी के बीच में से वो कुछ करने जा रहा है, कुछ कर रहा है, बस सिर्फ सपोर्ट दो, सपोर्ट चाहिए, आपकी जेब का दो पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, तो आप सपोर्ट करके आ रहे हैं और किए भी हैं और आगे भी करेंगे, ये मेरे दिल से इच्छा है। कल्याण मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में आपने शुरू किया था स्ट्रगलर्स के लिए जो खाने का प्रबंध किया था, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है, लोग भी काफी तारीफ कर रहे थे और काफी लोग आए थे सराहना कर रहे थे और काफी लोग अपने सम्मानित भी किया था, तो किस तरह से खुशी मिल रही है और आगे चल के क्या करना चाहते हैं उनके लिए और खास? जी मैंने अनाउंस किया था जो भाई मैं दादा साहेब फाल्के एक हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम है
हमारे इंडस्ट्री का जन्मदाता। तो जब उन्होंने पहला फिल्म शुरू किया राजा हरिश्चंद्र, तब से लेके जब तक वो इस दुनिया में थे, गरीबों को, कलाकारों को जिनके घर में अनाज नहीं है, उनके घर तक वो अनाज लेके जाते थे। तो मैं उसी के छत्रछाव में, उसी की आशीर्वाद से, उनकी जरिए से, क्योंकि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इंडस्ट्री में काम करने गया, उनके रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, वही काम मैं कर रहा हूँ जो दादा साहेब फाल्के एक ज़माने में किए थे और सब करते हैं, बहुत स्टार करते हैं, सलमान खान साहब करते हैं, बहुत से स्टार करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार, महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार रोज का भंडारा, मतलब हर रोज 12 बजे एक खाना एक जगह पे आ जाता है, चाहे मेरा शो हो, चाहे मेरा कुछ भी हो, चाहे मेरा तबीयत खराब हो, चाहे मैं बाहर किधर घूम रहा हूँ कहीं काम करने के लिए मुंबई से बाहर गया, लेकिन हर रोज 12 बजे आदर्श नगर अंधेरी में सिग्नल के पास हमारा 12 बजे का भंडारा शुरू होता है। और जिन्होंने मुझे बोला था, बहुत लोगों ने मुझे बोला था, जो कल्याण जी जाना, तुम्हारे घर तुम चला नहीं पाते हो, तुम्हारे घर पे तुम्हारी अनाज नहीं है, तुम कैसे रोज खाना खिलाओ। तो वो तमाम लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तुम तो नहीं कर पाते हो, लेकिन कोई कर पा रहा है तो कम से कम उसको हौसला दीजिए, उसका साथ खड़ा हो जाइए। आपको ये नहीं पता, मैं बता रहा हूं, आप मुझे चावल दाल ला के दो, मैं कर रहा हूं, मेरी टीम कर रहा है, हौसला आपको देना चाहिए, कोई यार अच्छा काम करता है। तो रोज 12 बजे मेरे भाई मिलन जाना, उनके आशीर्वाद से, मेरे तमाम डीपीआर टीम के आशीर्वाद से, मेरे वीरू साहब, किरण जी जो बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा तमाम लोगों के आशीर्वाद से आज डेढ़ महीना कंटिन्यू मैंने भंडारा चालू है। तो मैं वो तमाम लोगों को बोलना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ में DPIAF रोटी एंड कपड़ा बैंक खोला हमने। लोग बोलते हैं ये कौन सा बैंक खोल दिया वो कल्याण जी कमाने के लिए, तो मैंने बोल दू उन तमाम लोगों को, रोटी कपड़ा बैंक ये वो बैंक नहीं है जो आप उसमें पैसे डालो, ये वो बैंक है जो हमारी एक हेल्पलाइन, मोबाइल की हेल्पलाइन हमने एक जारी किए हैं, जिसके घर पे पूरी मुंबई में जिसके घर पे रात को खाना बच जाता है, वो हमें फोन कीजिए, आप खाना मत फेंकिए, वो खाना हम लोग लेके आते हैं, गरम करके हम गरीबों को खिलाते हैं। कपड़ा अगर आपके पास पहनते नहीं है, बार बार घुसा घुसा दबा दबा के आप रखते हो, वो कपड़ा अगर आपके पास पड़ा है पहनते नहीं हो, वो कपड़ा हमें लाके दीजिए और वो कपड़ा हम वो गरीब तक लेके जाते हैं। आपका कमिंग संडे हम खार घर के आगे जो आदिवासी गांव है वहां पर पूरा गाड़ी भर के हम कपड़ा लेके जा रहे हैं। वो तमाम जो कपड़े दिए हैं मुझे, उन सभी को मैं नमन करता हूं। इसी का नाम है DPIAF रोटी और कपड़ा बैंक, ये हमने खोला है, किसी पैसा कमाने के लिए बैंक नहीं खोला, ये बैंक का उद्देश्य यही है। उसके साथ साथ में मैं, महीने का 4 संडे होते हैं, लोग बोलते हैं कल्याण जी ने ये क्या झड़ मारना शुरू कर दिया, हम कह दूं भाई उस शहर में हो जिस शहर ने हमें कमा के खिला के बड़ा करते हैं, उसका नाम है मुंबई। तो मुंबई की कुछ सड़कें अगर हम एक दिन साफ कर ले तो क्या आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो हम इस 21 से हमने शुरू किया है, महीने का पहला संडे हम जो भी साफ करते हैं मेरी टीम को लेके, महीने का सेकेंड संडे हम लोग तमाम जो फुटपाथ है अलग अलग एरिया के BMC कर्मचारी के साथ हम लोग वो फुटपाथ साफ करते हैं, और तीसरा संडे हम लोग ओल्ड एज होम जाते हैं, जैसा मैंने अभी आज हम लोग ओल्ड एज होम में थे, आज संडे तीसरा नहीं है दूसरा है, लेकिन हमने एक दिन एक संडे पहले ये फंक्शन हमने बनाया, रे हो NGO और साथ में DPI के साथ हम लोग ये आज वैलेंटाइन डे बनाया। आज सुबह 10 से लेके 12 बजे तक हमने ओल्ड एज होम में जो भी पिता माता को छोड़ देते हैं लोग, उनके साथ हम लोग अभी वैलेंटाइन डे बना के आ रहे हैं। और महीने का लास्ट संडे वो तमाम जो BMC कर्मचारी और जो ट्रैफिक पुलिस जो फुटपाथ पे खड़े होते हैं और अपनी मिट्टी को अपने बदन में लेके जो मुंबई के जो सड़के को, मुंबई के जो ट्रैफिक को सॉल्व करते हैं, ऐसे महावीर कर्मचारी को हम लोग
सॉल बना के उनको फूल देके हम उनको सम्मान करते हैं। ये पूरी डीपीआई का टीम का काम है। मैं चाहता हूं मेरे पीछे पढ़ने से अच्छा आज जितने भी अवार्ड शो होता है दादा साहेब फाल्के के नाम से, मैं उन तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं मेरे पीछे पढ़ने से अच्छा जो कल्याण जी जो कर रहे हैं आप भी करो। तुम भी तो कमाते हो ना शो करके, शो का कल कमरे के लिए वो करते हैं। हाँ मैं भी कमाता हूँ, लेकिन मैं खर्चा भी करता हूँ ना, खाना खिलाता हूँ, खर्चा करता हूँ। तो तमाम जितने भी दादा साहेब फाल्के के नाम से अवार्ड शो करते हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरे पीछे पढ़ना छोड़ दीजिए। मैं गधा नहीं, मैं घोड़ा हूँ। ना घोड़ा कभी रुकता है, ना थकता है, ना सोता है, और एक घोड़ा क्या करेगा वो खुद को पता है और आपको ही पता है। तो मैं हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ तमाम उदास है फाल्के करने वाले लोगों को जो मेरे पीछे पड़ते हैं, मेरे शो होता है जब उनको 100 नंबर पे कॉल करते हैं शो बंद करा दो, तो उन तमाम लोगों को मेरा एक ही बोलना है भाई मैं जो कर रहा हूं तुम भी करो, तुम भी तो कमाते हो, तुम भी तो शो करते हो। आज कोविड 19 में हमारे टीम, हमने घर घर जा जाके वो तमाम कलाकार डांसर सभी घर में जाकर हमें अनाज दिया है। मेरी औकात नहीं है, भगवान ने दिया इसलिए हमने दिया। तुम भी करो ऐसा, तुम्हें क्या बांध के रखा किसने? तो मैं तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये एक फिल्म इंडस्ट्री हमारा परिवार है। मीडिया के सामने बोलना अच्छा लगता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन वो परिवार आज भूखा है। वो लॉकडाउन में परिवार मैंने अपने नीचे स्तर पे ग्राउंड लेवल पे जाके देखा है सर, घर में अनाज है, गैस नहीं है, गैस खत्म हो गया, वो गैस का पैसा नहीं है उसके पास भरने के लिए। दूध को, बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपनी राइस का जो मार है, जो राइस का जो पानी है उसको, जो व्हाइट पानी को राइस का निकाल के बोलता है, नमक डाल के बोलता है, बेटा को बोलता है ये दूध है ये पियो। तो मैंने वो दिन, मैंने उन तमाम जो डांसर का परिवार या स्पोर्ट बॉय या कैमरामैन के परिवार है, हमने वो देखा है इस लॉकडाउन में। जो तुम बोलते हो बड़े बड़े शो करते हो, अवार्ड शो करते हो, स्टेज पे बोलते हो ये फिल्म इंडस्ट्री मेरी परिवार है, आज उस फिल्म इंडस्ट्री के पास काम नहीं है लॉकडाउन के बाद। आज तमाम परिवार के घर में महीने का भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है। आज कितने लोगों को निकाल दिया उनको घर से, फुटपाथ में 10 दिन से रहा, उसके बाद वो गांव चला गया। ऐसे कितने सारे कलाकार है, कितने टेक्निशियन टीम है। कभी सोचा कभी बड़े बड़े शो करने वाले हो जो ऑर्गेनाइजर चाहे बड़े बड़े स्टार हेल्प ना कर रहा है, बहुत जन किया है, लेकिन जो और भी स्टार को हेल्प करना चाहिए वो नहीं किया है, लेकिन हम लोग तो कर सकते हैं ना मिलकर। तो मैंने निर्णय लिया है, हमने ये मर जाएगा लेकिन खाना चालू रहेगा, मुझे भगवान उठा भी लेगा ना तो खाना मेरा चालू रहेगा, रोज 12 बजे का भंडारा, चाहे मेरा पैसा हो या ना हो, मेरा खाना 12 बजे चालू होगा। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम लोग की पीछा पढ़ना छोड़ दीजिए, बॉम्बे में और लोग हैं, इंडिया में और लोग हैं, 140 करोड़ वो जनता है, 140 में खाली कल्याण जी पढ़ा है पीछे पढ़ने का। कल्याण जी के अवार्ड शो में आते हैं, स्पॉन्सर पकड़ लेता है, अरे कल्याण जी तो चुतिया आदमी है, अरे मेरे शो में आओ, मैं शो कर रहा हूं, कहां तुमने दे दिया उसको स्पॉन्सर, छोड़ दो कैमरा ऐसा, है दम है आपके अंदर कुछ करने का ताकत तो करो, लेकिन मेरे शो में आके मेरे स्पॉन्सर को लेके मेरे लोगों को लेके तुम शो करते हो, ऐसे काफी सारे लोग हैं, करना छोड़ दो। कल्याण जी इन दिनों कई सारे कंट्रोवर्सी हो रही है दादा साहेब फाल्के को लेके, कई सारे अवार्ड शो हो रहे हैं, आपके भी आपने भी पहला किया दादा साहेब फाल्के अवार्ड, काफी सक्सेस रहा, दूसरी जगह भी हो रहे आज तो कुछ कहना चाहिए उसके लिए? दादा साहेब फाल्के हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जन्मदाता है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं सर, उनको लोग भूल चुका है, तो उसके लिए मैंने 9 पॉइंट को लेके मैं माननीय श्री राज्यपाल साहब महाराष्ट्र के उनके पास हम गए थे, माननीय श्री मनसे के अध्यक्ष माननीय श्री राज ठाकरे साहब के पास हम गए थे, माननीय श्री महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक साहब के पास हम लोग गए थे, ऐसे तमाम
हमारे दिलीप लांडे साहब चांदीवली के एमएलए उनके पास हम लोग गए थे, गोपाल शेट्टी साहब एमपी उनके पास हम लोग गए थे, नौ मुद्दा को लेके गए थे, जैसा आपके मैं बंधु सर दादा साहेब फाल्के हमारे इंडस्ट्री जन्मदाता है, लेकिन उनके नाम से लोग आज कहीं गली गली में अवार्ड से शुरू करना शुरू कर दिया जिस तरीके से हम करते हैं, लेकिन वो पता नहीं है वो किस तरीके से उन लोग शुरू कर देते, खुद को नहीं पता वो क्या कर रहा है, दादा साहब फाल्के किस जगह पे लेके खड़ा कर रहा है। पहला एनजीओ है इस पूरी इंडिया में और पूरी भारतवर्ष में, ये पूरी इंडस्ट्री में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो हमारा एनजीओ है, ये पहला एनजीओ बना है जो दादा साहेब फाल्के के नाम से एक एनजीओ, ये पहला एनजीओ है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म, जो एनजीओ रोज खाना खिलाता है, जो एनजीओ फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं, जो एनजीओ दादा साहेब फाल्के के लिए हमारा सोच रखते हैं। मेरा पहला मुद्दा है दादा साहेब फाल्के हमारा इंडस्ट्री जन्मदाता है, लेकिन उसका इस मुंबई शहर में पुतला नहीं है, टीवी स्टार है बड़े बड़े, फिल्म स्टार है बड़े बड़े, स्टार के पास बड़े बड़े घर है, एक बंगलो नहीं है 20 बंगलो है, लेकिन दादा साहेब फाल्के का पुतला नहीं है इस मुंबई से। तो सर्वप्रथम हमारे डीपीआई की टीम और तमाम जो मान्यवर के आशीर्वाद अगर हुआ, अगर सरकार का आशीर्वाद मिला, वो तमाम लोगों के आशीर्वाद मिला, तो दादा साहेब फाल्के का पुतला 15 फुट का पुतला बांद्रा के बैंडिस्टन में हम लगाने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप सभी का आशीर्वाद मिला तो, तमाम मीडिया का आशीर्वाद मिला तो 15 फुट का पुतला सर्वप्रथम इस हिंदुस्तान के अंदर मुंबई शहर में पहला पुतला होगा बांद्रा के बैंडस्टैंड में। कल्याण जी आपके स्पॉन्सर गए हैं, क्या हुआ है थोड़ा वो बताइए। स्पॉन्सर देखिए क्या है, जो लोग इस अवार्ड शो में आते हैं और वो कौन है नहीं बोलना चाहता हूं मैं, लेकिन कार बांटने आते हैं, नंबर को एक्सचेंज करने आते हैं, उन तमाम लोगों को बोल दूं एक कार्ड बांटने से, नंबर एक्सचेंज करने से कोई अवार्ड शो नहीं होता है, या किसी के स्पॉन्सर को छीन के, या किसी का व्यक्ति को छीन के, या किसी के व्यक्ति को वहां पर आए हैं तुम उनको बोलो भाई मैं भी शो कर रहा हूं मेरे शो में आओ ना, वो तो चुकी आए कल्याण जी आओ ना मेरे शो में आओ ना, बहुत प्यारा शो हो रहा है, बड़ा शो कर रहे हैं हम, तो करना छोड़ दीजिए, हिम्मत है। कौन है वो, कौन है? नहीं मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, यू नो एवरी मीडिया। कल्याण जी जाने जी के ये सभी बातें, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका भी एक नया प्लेटफॉर्म है केजी टॉकीज जी, अभी आपने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे वेब सीरीज आते हैं जी, तो वेब सीरीज ऐसे होते हैं कि कुछ कंटेंट्स फैमिली के साथ नहीं देख सकते जी, तो आपके ये प्लेटफॉर्म पे अभी किस टाइप के सीरीज आएंगे? बहुत अच्छा पूछा आपने मैडम, थैंक यू सो मच। केजी टॉकीज एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास अगर आपके पास कंटेंट है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, वो कंटेंट आप फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, जैसा एक कंटेंट वहां पे चल रहा है उसमें इस वक्त ढूंढ लेंगे मंजिल हम, वो कंटेंट उसमें चल रहा है आप देख सकते हैं उसमें। जिस तरीके से आपने वेब सीरीज का नाम लिया तो मैं वेब सीरीज के ऊपर बोल दूं, मैं वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर और तमाम कलाकार, इन तमाम ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म यहां बने हैं 2 पैसा कमाने के लिए, हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया, लेकिन हिंदुस्तान के संस्कृति को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान के सभ्यता को खत्म किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी देश है, वो फंडिंग किया जा रहा है, वो फंडिंग कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले को, जो हमारा पास बल है लेकिन वो बल काम नहीं आएगा हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, इसलिए न्यूड वीडियो बना के नंगा बन करके हिंदुस्तान के मां बेटी को, युवा पीढ़ी को खत्म कर दो, मतलब हिंदुस्तान बाद में खत्म हो जाएगा, उनके अंदर बल नहीं है,
जो वंश है वो खत्म करे हिंदुस्तान को। उनकी सोच, उनका सोच ये है, ऐसे तमाम आतंकवादी देश है, पहले कुछ आतंकवादी देश इस हिंदुस्तान में आए थे, मंदिर को तोड़ा और हिंदुस्तान के मां बेटी के साथ में क्या किया वो सबका पता है, और फिर से वो आतंकवादी देश डॉक्ट्रिन्स के माध्यम से हिंदुस्तान में नंगा डांस करवा रहा है। और वो तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने मेरा लेटर लिख के मैं तमाम वो मंत्री गण को मैंने भेजा है, उनको मेल किया गया है, सर ये क्या हो रहा है, बाहर के देश बुला करते थे हिंदुस्तान के कल्चर को हम सलाम करते हैं, हिंदुस्तान के परिभाषा को हम सलाम करते हैं, आज वो हंस रहे, बोला ये हिंदुस्तान है जिसको हम सलाम करते थे, ये सोने का चिड़िया है जिसको हम सलाम करते थे, आज कहां जा रहा है हमारा ये युवा पीढ़ी युवा वर्ग, दो पैसे के लिए तुम कुछ भी करोगे, मतलब आपकी बदन में कपड़ा नहीं है, न्यूट, और काफी लोगों को गिरफ्तार हुआ है, काफी लोग गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये क्यों चंद पैसा के लिए, अरे मरने के बाद भी शमशान में आपको जगह लेना पड़ता, थोड़ा सा खरीदना पड़ता है, मतलब जितना आपने कमाया आपकी संपत्ति आपकी गाड़ी आपका घोड़ा सब यहां रहेगा, बाद में आपको फिर से आपको छोटा सा जगह लेना पड़ता है मरने के लिए, वहां पे जलाने के लिए, कपड़ा बदन में नहीं होता है कपड़ा, तभी भी तुम जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस हिंदुस्तान के मिट्टी में जन्म लिया, जिस हिंदुस्तान को हमें दिल में लगाते हैं, और उसी हिंदुस्तान में मिट्टी में पैदा होकर नाम कमा के खाते हैं पीते हैं, और उसी हिंदुस्तान को तुम मुछ मार रहे हैं, क्यों सिर्फ खाली पैसा के लिए। मैं तमाम मीडिया को बोलना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ये तमाम जो आज YouTube पे वो गंदगी मचा है, वो वेब सीरीज के माध्यम से जो तमाम जो कलाकार, वो तमाम जो वेब सीरीज कंपनी है, उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जब तक तुम गिरफ्तार नहीं करोगे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को, जब तक तुम बैन नहीं करोगे, जब तक ऐसे एक्टर काम करते जो एक्टर क्या उनका अक्ल नहीं है, जो एक्टर लोग काम करते हैं, क्या आपको समझ नहीं एक्टिंग किसको बोलता है, इसी एक्टिंग के लिए दादा साहेब फाल्के पहला फिल्म बनाया था डॉक्टर राजा हरिश्चंद्र 1913 में, क्या उन्होंने जब फिल्म शुरू किया था पहला फिल्म हिंदुस्तान में, क्या ये सोच के फिल्म शुरू किया था जो एक दिन ये फिल्म इंडस्ट्री नंगा हो जाएगा, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री शुरू किया था, क्या वो आदमी जो फिल्म लाइन में काम किए हैं वो दिलीप साहब राज कपूर साहब, क्या वो सोच के काम कर रहे हैं जो एक दिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री एकदम न्यूट बन जाएगा, पोर्न बन जाएगा, क्या अगर पोर्न और न्यूट अगर एक्टिंग है तो ये एक्टिंग हमें नहीं वो देखना है नहीं करना, जिस तरीके से बहुत सारे लोग को पकड़ा गया है और आतंकवादी देश से उनका रिलेशन है और उनको फंडिंग आ रहा है बाहर से, जब तक आप तमाम मेरे भारतवर्ष के लोग बायकॉट नहीं करोगे ऐसे प्लेटफॉर्मों को देखने के लिए और ऐसे एक्टर जो उसमें काम करते हैं, जो एक सिर्फ एक हिंदू 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 मतलब एक के टारगेट करते हो हिंदू को, क्यों टारगेट क्यों हिंदू को, आज हिंदू को टारगेट का वो करते हो बैक्सिस के अंदर, हिंदू की मां बेटी को एक्टर है उसमें तो कोई भी कह सकते हो एक्टर, किसी का एक्टर जात नहीं पात नहीं होता, एक्टर हिंदू हो मुसलमान हो सब है, लेकिन हिंदू को वो टारगेट किया जाता है, हिंदू के संत लोग अगर गलत किया है ठीक है ना, कोर्ट जवाब देगा उसका, लेकिन उसके ऊपर वेब सीरीज क्यों घुमा फिरा के टारगेट उसी हिंदू आप करते हो कि हिंदू को बर्बाद करने का आप लोग ठेका लेके बैठा गया इसी हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदू को ठेका लेके रखा गया उसको बर्बाद करने का, क्या बाकी जो और जो जाति भेद है क्या उन लोग जो गलत किया है उनके ऊपर वेब सीरीज क्यों नहीं बना, किसने मौलाना के ऊपर या किसी और जाति के भेद के ऊपर, उन लोग भी तो किया है, उनका भी तो मीडिया में आया है, तो सिर्फ हिंदू को वो टारगेट क्यों है, क्यों इसलिए क्योंकि आतंकवादी देश से फंडिंग आ रहा है, हिंदू को बर्बाद करो, हिंदुस्तान को बर्बाद करो, हिंदुस्तान के अंदर नंगा डांस करवाओ,
ऐसे वेब सीरीज बनाओ जाते हिंदुस्तान खत्म हो जाए। अरे नहीं होगा भैया, नहीं होगा ना, हम खत्म करने देंगे। कम से कम हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, जो महापुरुष जो योद्धा इस देश को बचाने के रक्त दिया है, इस देश को रक्त दिया है, इस मिट्टी को रक्त दिया है, कम से कम उसका कम से कम याद कर लो, उसको उनको याद कर लो, वीर महापुरुष को जो इस देश को बचाने के लिए, देश को आज जिस देश में हम है, आज जो खा रहे पी रहे घूम रहे अच्छा कपड़ा पहन रहे, ये देश गुलाम था सबका पता है, उस गुलाम से आजाद किया है कौन, वीर योद्धा लोग, उसको तो कम से कम याद कर लो। शैलेश जी नहीं दिखाई दे रहे, क्या हुआ? शैलेश जी कुछ कारण से वो एक मेरा दूसरा इवेंट में चला गया है, मेरा और एक दो इवेंट चल रहा है मेरा, तो इसलिए वो आ नहीं पाया और वो उस इवेंट में गए हैं। मैं नौ मुद्दा बोल दूं, मेरा पहला मुद्दा था जो दादा साहेब फाल्के का पुतला का मैंने बोला आपको, जो हम आप सभी के आशीर्वाद से, मीडिया के आशीर्वाद से, तमाम जो देशवासियों के आशीर्वाद से, इंडस्ट्री के तमाम जो कलाकार जो काम करते हैं उनके आशीर्वाद से 15 फुट का पुतला DPIAF वो तरफ से हम करने जा रहे हैं। मेरा सेकंड है जिस इंडस्ट्री को जिन्होंने जन्म दिया है, इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा को, एक्टर को या एक्ट्रेस को भारत रत्न अवार्ड मिला है, लेकिन जिस इंसान ने इंडस्ट्री को जन्म दिया उसको अभी तक भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिला, ये पूछना चाहता है कि तमाम जो इंडस्ट्री में काम करता है वो तमाम कलाकार, मैं भी कलाकार हूं इसलिए मैं पूछा, जब उस इंसान को नहीं जो इंसान के नाम से राष्ट्रपति भवन में हर साल एक स्टार को दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन उस इंसान को अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला। मेरा तीसरा मुद्दा है, जब फिल्म शुरू होता है जनगण मन अधिकारी के बाद दादा साहेब फाल्के का फोटो क्यों नहीं आता है। मेरा चौथा मुद्दा है, दादा साहेब फाल्के का फोटो वो तमाम स्टूडियो जहां पे शूटिंग होता है, वो तमाम जो एक्टिंग क्लास चलते हैं, डांस क्लास चलते हैं, वहां पे क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि वो तो जन्मदाता है ना। जैसे गांधी जी ने हमारे देश को स्वाधीन करवाया, सब लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, तो उसका फोटो सब जगह वो लगते हैं, लेकिन दादा साहेब फाल्के तो हमारे इंडस्ट्री को जन्मदाता है, तो उसका फोटो क्यों नहीं है। मेरा पांचों का है, जब मैं दादा साहेब फाल्के का पिक्चर हॉल के अंदर जब एंट्री होता है तो उनका फोटो क्यों नहीं है। दादा साहेब फाल्के के नाम पे आज काफी लोग अवॉर्ड शो करते हैं, जब इस फिल्म इंडस्ट्री को दुख भरी कहानी से गुजरना पड़ते हैं, वो तमाम कलाकार जो स्ट्रगल करने आते हैं, तमाम जो टेक्नीशियन टीम है उनको हेल्प क्यों नहीं करते है? क्योंकि हमने आज एक स्पोर्ट बॉय के बहन है, उनका शादी हुआ था तो उनको हमने अनाज और बर्तन दिया, उसके पहले भी हमने दो इंडस्ट्री के तमाम काम करते हैं ऐसे 4 से 5 परिवार को हमने अनाज और बर्तन दिया शादी के लिए, तो ऐसा क्यों नहीं है और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के को और आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और जो शहीद हुए पुलवामा अटैक में उन शहीदों को उनके परिवारों में नमन करता हूँ। वैसे तो सारा सब कुछ बता दिया कल्याण जी जाना ने, उनके साथ में रहता हूँ, उनका छोटा भाई हूँ और इनकी जो सोच है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, और उनकी हर सोच हर काम में इनके साथ हमेशा रहेगा, मेरा और पूरी टीम का सहयोग रहेगा, और इनके लिए जो कहना जो टांग खींच रहे हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे उनको एक ही संदेश देता हूँ, वो कुछ कर नहीं सकते तो साथ में आइए सपोर्ट करिए, जब हम इतने लोगों का कर रहे तो आपका भी करेंगे, गिडर मत बनो शेर बन के सामने आओ, अगर इतनी हिम्मत है तो पीठ पीछे मत बोलो, पीठ पीछे मत बोलो, अगर है दम तो सामने सामने आओ, हम उनके लिए हाजिर बैठे हाजिर है और हर वक्त मैं हाजिर रहेगा, खाली मुझे पूछो, जो ये मत बोलो जो मेरे स्पॉन्सर को कल्याण जी ने मना कर दिया, किसको फोन किया है एक बार वो सामने हाजिर करो, मेरे स्पॉन्सर को लेके आएगा, मेरे स्पॉन्सर को बोलता है वो उनको मना कर दिया। कल्याण जी लास्टली लास्ट सवाल आपसे है कि जब आप अधिकारी के पास गए थे, तमाम पार्टियों के अधिकारी के पास, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कल्याण जी ये बहुत कठिन है पुतला का, लेकिन आप लगे हो तो शायद आपका जो मेहनत है वो सफल एक दिन होगा,
और सभी ने अच्छा पॉजिटिव दिया है और सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अगर भगवान ने चाहा तो पुतला उद्घाटन हम करेंगे बांद्रा बैंडी स्टैंड में 15 फुट का। थैंक यू सो मच, थैंक यू राजू, उसको ये मत मार, चुपचाप बैठ, राजू चौहान साहब जो हमारी एक फिल्म है जिन्होंने मुझे एज ए लीड लिया है, उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक बड़े हमारे मित्र है। थैंक यू सो मच राजू सर, आपने एक तमाम फिल्म दी है भोजपुरी हिंदी, इसके बाद आप मेरे को एज ए लीड लेने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और भी काफ़ी सारा कैरेक्टर बहुत प्यारा है, राजेश चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, राइटर साहब हमारे पास यहाँ पर आए हैं और तमाम लोग हैं वो बताएंगे। थैंक यू सो मच कुमार गौतम साहब, थैंक यू सो मच एक्स पुलिस ऑफिसर लक्ष्मण महांगरे साहब जो यहाँ पर डम्बू पुलिस से यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच हमारे एनजीओ के डायरेक्टर, राष्ट्रीय डायरेक्टर हमारे पांडे सेट्टी साहब, थैंक यू नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवर्ड साहब, हमारे सोनल मैडम जो मिस्टर मिस एंड मिसेस में उन्होंने किताब जीता है, थैंक यू सो मच अंजलि मैडम एज अच्छे गुड एक्टर है, समाज के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, सिंगर एंड एंकर मल्टी टैलेंटेड मेरा भाई तिवारी साहब, प्रकाश मधुर तिवारी साहब मेरे दोस्त मेरे मित्र, साथ में हम लोग बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। कमाल ताहिल कमाल खान साहब, पूनम जी जो बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, थैंक यू मेरे किरण भाई जो हर वक्त वो आते हैं और उसको लोग देख के बोलते तुम क्या करोगे, लेकिन मैं बोलता हूँ तुम शेर हो किरण जी, थैंक यू सो मच आप ऐसे हैरत कदमी जब आते हैं इवेंट में। थैंक यू मेरे माय ब्रदर मिलन जाना जो हर रोज 12 बजे खाना बना के अंधेरी आदर्श नगर में वो लेके 6 बजे उठ के भाजी कूट कर खाना बना के लोगों को खाना खिलाते हैं, मेरे भाई मिलन जाना। मैं चाहता हूँ एक एक बात अपना अपना राय दें और बोले। थैंक यू सो मच संजय भूषण पटियाला द बेस्ट पीआर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, थैंक यू ऑल मीडिया पर्सन, थैंक यू देवा भाई, थैंक यू सो मच। आज का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसकी न्यूज जो है कई साल पहले डाली गई, आज का दिन का जो भी वो कार्यरत हुए है उन्हें अचीवमेंट किया है उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। और रही आज की उनकी बातों के ऊपर, अगर उनके काम के लिए विरोध हो रहा है तो वो काम अच्छा है, जिस काम के लिए विरोध होता है वो काम सबसे अच्छा होता है और फिर वो करना चाहिए और करेंगे, उसके चाहे कितनी भी मुसीबतें आए कितनी कठिनाइयां आए हम उसको पार करके रहेंगे। अब उनकी जो सोच है अभी तक जो कार्य किया और जो करने जा रहे हैं तो आज तक इस भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि दादा साहब फाल्के साहब को हम हाईलाइट करें। मेरी ये मांग है जैसे पुतला मांग रहे हैं शासन से, शासकीय जो छुट्टी होती है वो छुट्टी दादा साहब फाल्के की जन्मदिन के अवसर पर जयंती सेलिब्रेट करके बाकायदा कानून जाहिर होना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को एक विनती करता हूँ कि जैसे कि राजश्री शाहू महाराज की जयंती कई सालों तक नहीं हुई, तब सच्चा भारत और स्वतंत्र भारत हम कहलाएंगे। धन्यवाद सर, आप क्या कह रहे हैं? जी सब ये जैसे अपना भाई बोले हैं, बड़े भाई बोले हैं, वीरू भाई बोले हैं, हम इतना बोलेंगे बड़े भाई को
कल्याण जी भाई को, आपके साथ पूरे DPIF की टीम और हम जितने मेंबर्स लोग हैं आपके साथ हैं, आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं कल्याण जी जाने के लिए कहना चाहूँगा कि पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, कल्याण जी जाना सबका भला करता है। और इनकी सोच इतनी काबिल तारीफ है, ये जो सोचते हैं केवल सोचते ही नहीं है बल्कि करते भी हैं, और जितनी भी चीज़ें इन्होंने सोची हैं हमेशा की हैं, जैसे चाहे भंडारे का काम हो चाहे अवार्ड शो का काम हो, तो इसलिए कल्याण जी जाना किसी बच्चे के मोहताज नहीं है। और सभी जानने लगे हैं कि उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, उनकी सोच को सलाम करना चाहिए। उनके लिए मैंने 4 लाइन उस दिन लिखी थी लेकिन बोल नहीं पाए थे, आज बोल ही देता हूँ। कल्याण जी आपको लगभग 20 साल हो गए ना? जी जी, मैंने आपके लिए लिखा है, आप लोग गौर करिएगा। 20 साल पहले हुआ जिनका मुंबई आना, 20 साल पहले हुआ जिनका मुंबई आना, कचरे से चुनकर निकाला जिसने दाना दाना, अपने अंदर के कलाकार को जिसने खुद ही पहचाना, बुलंदी को छूना है जिसने दिल में है ठाना, वो कोई और नहीं वो है हमारा कल्याण जी जाना। आज का जो दिन है, आज है वैलेंटाइन डे, लेकिन उनकी सोच देखिए, वैलेंटाइन डे पे जहाँ लोग गुलाब का फूल लेके अपनी महबूबा को देने जाते हैं, ऐसे माहौल में कल्याण जी जाना की सोच देखिए कि आज वो पुलवामा में हुए शहीद वीर जवानों को याद कर रहे हैं, यही सोच होनी चाहिए। और नौजवानों के अंदर अगर ऐसी सोच हो जाएगी तो निस्संदेह हमारा ये भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। नई फिल्म आ रही है कल्याण जी जाना के साथ, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे वीर जवानों के लिए नमन करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग सब जुड़ते रहे। और जो पुलवामा में जो हुआ था वो जाना जी ने बोल दिया है सब, और मैं अभी फिलहाल तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जाना भाई आपकी टीम के साथ में शेर थे, शेर रहेंगे और हम लोग सब साथ में हैं, पूरी टीम साथ में है और पूरी फिल्म लाइन के जितने भी मेहनती और सच्चे लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कमाल भाई हैं और टीम के आपके सर हैं, तो सब लोग हम लोग हैं। और मैं आज आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जाना भाई को हीरो लेकर के एक फिल्म करने जा रहा हूँ मैं, वक्त का परिंदा, अप्रैल में शुरू करूँगा मैं, और मैन हीरो होंगे इनकी सपोर्टिंग में, अच्छे जो सपोर्टिंग रहेगी, बड़ी कास्ट रहेगी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं करने जा रहा हूँ, और यही मेरी शुभकामना है। और मैं इनको इनमें अपना देखता हूँ जो 20 साल पहले मैं था, ऐसा कि मैं भी दादा फाल्के साहब के लिए बहुत कुछ बोला था, लोग बोलते थे ये आदमी पागल है राजू चौहान, बहुत लोग बोलते थे, जैसे अभी इनके पीठ पीछे से कहानियाँ चल रही हैं, इनका विरोध किया जाता है, इनके आदमियों को तोड़ा जाता है, इनका रास्ता रोका जाता है, कई चीज़ें हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मगर मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, आप डरना नहीं, तुम्हारे साथ में एक शेर है और बहुत सारे शेर और आ जाएंगे, चिंता नहीं करना, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और कल्याण जी जाने के लिए बहुत सारी तारीफें बनती हैं कि हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीर झुकाता हूँ और ऐसी माँ को मैं सलूट करता हूँ जिस माँ ने ऐसे माइके लाल को जन्म दिया, जो इतनी मेहनत करता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब इस पूरे बम्बई शहर में एक भी आदमी रस्ते पर नहीं होता था, ये इंसान अपनी बाइक लेके और लोगों के घर में खाना राशन पहुंचाने पहुंच जाता था। थैंक यू। और उस वक्त मैं भी जुहू पर था तो कहीं ना कहीं मुझे फोन करते थे कि भाई आ जाओ कहीं चलते हैं, मैंने कहा चलो मैं भी आता हूँ कई बार, और दो चार कुछ लाइनें, समय कम है लेकिन बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बहनोरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बहनोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, जो एक गाय होती है ना वो जब गोबर करती है तो उससे 3 कंडे बनते हैं, और 3 कंडे वो तीनों कंडे अलग अलग जगह चले जाते हैं, अलग अलग स्थान प्राप्त कर लेते हैं बनने के बाद, सूखने के बाद, एक चला जाता है वो अस्थि में, एक चला जाता है चूल्हे में, और एक चला जाता है यज्ञ में, जो वो कंडा होता है जो यज्ञ में चला जाता है
है तो वो तीनों भाई और एक ही माँ से पैदा है, तीनों भाई और एक ही माँ से पैदा, लेकिन जो यज्ञ में चला जाता है उस कंडे की रात को लोग उठा के माथे से लगाते हैं, तो ये कल्याणी जाना वो माथे से लगाने वाली चीज है। तो मैं दुआ करता हूँ कल्याणी जाना के लिए कि ये इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहें, और जिंदगी में मुशक्कतें बहुत आती हैं, कभी जिंदगी में हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया वो घर गया। तो आपको हमारा ही नहीं पूरे देश का पूरे बॉलीवुड का खूब सारा प्यार और खूब सारी दुआएं आपके साथ है रहेगी इंशाल्लाह, आप आगे बढ़ते रहिए, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत खूब सारा प्यार और सलूट, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं मीडिया वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उसके बाद कल्याण जी जाना जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें इस टीम में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो जो काम कर रहे हैं उसमें हम हमारी टीम का उनको साथ है और हमेशा रहेगा। कल्याण जी जाना, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी और कल्याण जी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं कल्याण जी सर से एक ऐसी उस पर मिली थी कि उनके लिए रेस्पेक्ट हमेशा रहेगी, क्योंकि एक आंटी के थ्रू मैं उनसे मिली उनकी हेल्प के लिए, और कल्याण सर ने उनका पूरी उम्र हेल्प करने के लिए, राशन के लिए उनकी उनको बोला कि आप पूरे ज़िंदगी के लिए राशन यहाँ से लेके जा सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि किसी को दो टाइम का खाना भी दे दे तो भगवान होता है, तो कल्याण सर ने तो पूरी जिंदगी का खाना उनके लिए कर रखा है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ताली, ताली, ताली। मैं सबसे पहले कल्याण जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा उसके अपकमिंग फिल्म के लिए, और जो काम कर रहे हैं वो जो अच्छे नेक काम कर रहे हैं रोज के भंडारा का, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, एंड आपके साथ हम हमेशा रहेंगे कल्याण जी, थैंक यू।